my money that I don't accept. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। मैं हूं अंकित और शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो आपको सही से सुनाई दे रही है क्या? तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। कौन कौन जुड़ चुका है? जाट एक्सप्रेस भाई आ चुके हैं, पुलकित भाई आ चुके हैं, ट्रैप राहुल सर आ चुके हैं, शुभम भाई आ चुके हैं, हिरेन भाई आ गए हैं, सौरभ भाई आए हैं, पवन भाई आए हैं, शुभम भाई आए हैं, ओके जय पोदार भाई आ गए, अंजना मैम आई है, शबीर सर आए हैं, दीपक भाई आए हैं, मीना मैम आई है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑडियो वीडियो सही आ रही है, विपुल सर कह रहे हैं, तो ठीक है। टाटा कॉफ़ी देखा यार आज किसी ने? मज़ा आ गया टाटा कॉफ़ी में। अच्छा हुआ फिर से एंट्री ले ली थी, 150 पे जब बेचा था मैंने तो फिर से एंट्री ले ली। आप लोग ने भी अगर ले रखा है तो अभी भी और होल्ड करो, क्योंकि ग्लोबली जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी का प्राइस रॉकेट हो रहा है। जिस तरह की बाकी अगर हम देखें, जिस तरह बाकी कॉमोडिटीज़ के प्राइस एकदम से भाग रहे हैं, तो कॉफ़ी भी रिसेंटली जो ग्लोबली अगर हम देखें, जो कॉफ़ी का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, कई लोग मतलब बता रहे हैं कि कहीं पर शायद सही से फसल नहीं हुई कॉफ़ी वगैरह की, बट वो मेरे को नहीं पता। बस ये दिख रहा है कि कॉमोडिटी में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है कॉफ़ी में ऑन अ ग्लोबल लेवल। प्लस अगर वो भी हम छोड़ दें तो अपने स्टॉक में बहुत बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है इस टाइम पे। अगर रिट्रेस भी करता है तो होल्ड करना है। और फाइनल टारगेट जो फिलहाल के लिए अपना 172 था, वो तो आज हिट हो गया है, बट अभी हम इसको होल्ड ही करेंगे। और अब अपन इसके आगे के टारगेट निकाल के मैं अपडेट कर दूंगा। बस एक बार मेरे को याद दिला देना डिस्कॉर्ड पे, तो जिन्होंने रख रखा है उनके लिए आगे के टारगेट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने स्टॉक सेक्टर के साथ और अपने निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में आज काफ़ी बढ़िया एक्शन हुआ, काफ़ी लोग खुश हैं। और काफ़ी टाइम बाद जो सबसे बड़ा एक इसका रेजिस्टेंस था 900, मतलब टू बी एग्जैक्ट 880 के अराउंड था, तो उसके ऊपर ही आज ओपनिंग दी इसने। मैक्सिमम नीचे गिरा भी तो उसी का सपोर्ट लिया जाके जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था, और उसी के ऊपर क्लोजिंग थी। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है ये, काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट है आज ये। बट हालांकि अगर हम देखें, तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी लिया है इसका। हो सकता है छोटा मोटा हमें डिप दिखे, अब वो कल दिखेगा या एक्सपायरी के नज़दीक वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे को दिखेगा।
वो कोई नहीं बता सकता, बट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अब तो शायद मुझे लगता नहीं कि आपको डर लगता होगा निफ्टी के छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से। पिछले 3, 4, 5 महीने में आपने काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट निफ्टी के देखे हैं। ये जो पुराना जोन था ना, ये इसने काफ़ी कई लोगों की, ट्रेडर्स की आदत ख़राब कर दी थी कि कहीं पे भी कुछ भी खरीद लो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर ही आ जाता है। बट पिछले 5 महीने ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को सिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर गया है तो, अगर नीचे गया है तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ऊपर आ ही जाएगा। पहले अगर हम निफ्टी का मूवमेंट देखें, एक दिन गिरता था और उसके बाद अगले एक हफ्ते में इतनी बड़ी रैली दे देता था कि वो कोई जवाब नहीं था उसका। आप ये देख सकते हो जो ये गिरा था उसके बाद कितना तेज़ ऊपर भागा था। बट अब निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो रहा है, तो काफ़ी ट्रेडर्स को अब सही आदत लगेगी धीरे धीरे। और ऐसा भी नहीं कि कोई भी स्टॉक ले लिया और वो भाग ही जाएगा। अगर स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है तो ही वो भागेगा, अगर उसका सेक्टर भी स्ट्रांग है तो ही भागेगा। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या एक्शन चल रहा है? 1100 टुडे। ओके, हाँ सारे देखेंगे स्टॉक्स। एक बार जल्दी से अपन सेक्टर्स को कवर कर लें तो उससे हमें एक ओवरऑल मार्केट का व्यू मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैंक निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट है नहीं। अगर हम इसको देख लें तो ये बॉक्स अभी भी कंटिन्यू है, जो इसका मेजर पहले सपोर्ट जोन था पर अब रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की तरफ चलें तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, बट बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। एफएमसीजी एक अच्छी रैली के बाद स्टेबल होता हुआ। निफ्टी आईटी की तरफ अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी जोन का रेजिस्टेंस लिया है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर आईटी में शायद फिर से एक रैली आ सकती है, बट मुझे लग नहीं रहा कि शॉर्ट टर्म में आईटी में रैली आएगी। हो सकता है अभी 1 महीने का टाइम और ले ले ये स्टेबल होने में। इसके बाद हम चलते हैं अपना, ये है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है, बट अभी हम फिलहाल एकदम पॉजिटिव होकर ये नहीं बोल सकते कि रैली स्टार्ट हो ही जाएगी। ऑन एन एवरेज अपन कह सकते हैं कि निफ्टी ऑटो के को हम 10,000 के ऊपर अगर स्टेबल दिखता है तो हम कह सकते हैं। मारुति में हमें ट्रेंड रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे अभी। निफ्टी फार्मा काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, वो तो हम मतलब कोई डाउट ही नहीं है, काफ़ी टाइम से बता ही रहे हैं। तो निफ्टी फार्मा बढ़िया लग रहा है, एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। निफ्टी मेटल की तरफ अगर हम देखें, निफ्टी मेटल की रैली कंटिन्यू है, जिस तरह मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि अगर मेटल में कोई अच्छे स्विंग रेट्स मिल रहे हैं तो उनको प्रेफरेंस दो कंपेयर टू अदर सेक्टर्स लाइक आईटी हो गया, या फिर आपका एफएमसीजी हो गया, या फिर अपना बाकी दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में। खास करके ऑटो में इस टाइम पे मत लो स्विंग रेट्स, मेटल में और फार्मा में प्रेफर करो। एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर में आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ, कुछ 7-8% का मूव दिया टाटा पावर ने आज। निफ्टी मिड कैप बुलिश है, निफ्टी मिड कैप अपना सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। और स्मॉल कैप भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन आ रहा है जो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो इस वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा फंड फ्लो हो रहा है। भेल आज रॉकेट हुआ, कोई रीज़न अपन चार्ट पर ढूंढ लेते हैं। बाकी भेल जितनी बड़ी कंपनी, अगर कितना भागा है आज ये, ओके तो 14% भागा है भेल आज। तो अगर भेल जैसी कंपनी एक दिन में 14% भाग रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ न्यूज़ रही होगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बट अगर अपन चार्ट के बेसिस पे देखें तो हाँ अपन कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्रेकआउट ये दे रहा था 57 के ऊपर, इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, 2 दिन सस्टेन भी किया और उसके बाद आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया और काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया। अब अगर किसी को इसमें एंट्री लेनी है तो वेट करो कि ये 60 तक रिट्रेस करे या फिर 57 तक भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भेल जैसे स्टॉक के लिए रिट्रेस करना, आप पहले भी देख चुके हो कितना ज़्यादा बुलिश होने के बाद ये वापस आ जाते हैं। तो 60 तक आता है तो एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो, और 57 तक आता है तो 57 तक एंट्री ले सकते हो इसमें। तो मुझे अभी लगता नहीं कि एकदम से ये बहुत ज़्यादा भागेगा, हालांकि कुछ कह नहीं सकते मार्केट का, अगर बाइंग आएगी इसके अंदर तो भाग भी जाएगा। बट फिलहाल ये जहाँ पे जाके आज रुका है ये एक इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन भी है, तो देखते हैं रिट्रेस करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो बाढ़ में जाए, मतलब नहीं करेगा तो दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ लेंगे, है ना। और बताओ, और आप लोगों को क्वेरीज आप लोगों की क्या है एलटी के बारे में? एंट्री एलटी में मैं, अगर आप किसने पूछा है वैभव भाई, जल्दी से ये बताओ एलटी में आप एंट्री लेना क्यों चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए?
अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री के लिए पूछ रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इसको, क्योंकि सेक्टर स्ट्रांग नहीं है इस टाइम पे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हो तो लॉन्ग टर्म पे हमने यहाँ भी डिस्कस किया एलटी को, कि जब यहाँ पे क्वेरी आई थी तो यहाँ भी डिस्कस किया था कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड तोड़ के सपोर्ट ले रहा है, तो कोई डाउट नहीं था कि इसको ऊपर जाना है। एटलीस्ट 1450 तक तो आराम से ऊपर जा सकता है, तो चाहो तो अभी भी ले सकते हो एंट्री अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो। बट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए। वैभव भाई, शॉर्ट टर्म के लिए एलटी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आप डिस्कॉर्ड पे हो ना, जहाँ तक मेरे को याद है आप डिस्कॉर्ड पे हो, तो डिस्कॉर्ड पे आपको वो सेक्शन मिल जाएगा हैशटैग स्विंग आइडियाज़ वाला, उसमें जाके देखो, उसमें काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स मिल जाएंगे। वोक फार्मा, अमर भाई की क्वेरी है, वोकहार्ट फार्मा, वोकहार्ट फार्मा में क्या दिख रहा है? ओके, वोकहार्ट फार्मा आइडियली अगर आप पहले से ट्रैक कर रहे हो तो आपको यहाँ बाय करना चाहिए था, बट अगर रिसेंटली आपने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो कल इसमें अच्छा लेवल था बाय करने के लिए, कोई डाउट नहीं है। बट अब मैं प्रेफर नहीं करूँगा इस लेवल पे बाय करना, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं प्रेफर करूँगा कुछ इस जोन में बाय करने के लिए 550 के आसपास। अगर नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा इस अपॉर्चुनिटी को, बट ज़रूरी नहीं है ना हर स्टॉक में आप एंट्री ले पाओ। आप इसको रेडार पे रखो, अगर आपके प्रेफर्ड लेवल पे आता है तो आप एंट्री लेना, नहीं आता है तो छोड़ देना। विच कमोडिटी टू प्ले फॉर स्विंग आफ्टर शुगर? नहीं यार, वैसे मैं ट्रैक नहीं करता हूँ कमोडिटीज़। वो टाटा कॉफ़ी हमें अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैं टाटा कॉफ़ी मतलब गूगल वगैरह पे सर्च कर रहा था कि न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है, तो मुझे पता चला था कि कॉफ़ी के प्राइस भाग रहे हैं। बाकी मैं ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे हर कमोडिटी को ट्रैक नहीं करता हूँ। और मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आप कमोडिटीज़ में स्टॉक्स के थ्रू ही प्ले करते हो, जैसे कि अगर आपको शुगर में प्ले करना है तो आप शुगर स्टॉक्स बाय करोगे, अगर कॉफ़ी पे प्ले करना है तो टाटा कॉफ़ी बाय कर रहे हो, अगर उस तरह से आप कमोडिटीज़ में प्ले करते हो एज थ्रू स्टॉक्स, अब मुझे लगता नहीं है कि आपको कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत है। वो आपको वैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कि जैसे जब शुगर की रैली आई थी तो शायद उस टाइम यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था हमने, बट जो लोग पुराने हैं डिस्कॉर्ड पे उनको याद होगा कि 2-3 महीने पहले हाँ यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाली थी। उस टाइम पे हम एक मालामाल वीकली करके सीरीज़ बनाते थे, उसका शायद episode 2 या 3 था, उस पर मैंने बोला था कि सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में अब रैली आने वाली है, तो वो आपको वैसे ही दिख जाता है। मुझे लगता नहीं कि आपको इंडिविजुअली कमोडिटी को ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। थायरोकेयर अगर अपन देखें, थायरोकेयर में क्वेरी आ रही है, थायरोकेयर को बिल्कुल होल्ड करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप 980 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ले सकते हो। वेदांता टारगेट, क्यों पड़े हो यार ऐसे स्टॉक्स में? अगर अभी आपके पास होल्ड है तो फिलहाल इसमें 310 और 340 का टारगेट बनेगा, बट अगर नहीं है तो जिसके पास नहीं है वो एंट्री मत लेना अभी, कोई मतलब नहीं बनेगा एंट्री लेके। और स्टॉप लॉस आपका फिलहाल कुछ इस जोन में बनता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 260 से 70 के आसपास, तो वो आपका सपोर्ट जोन अच्छा रहेगा। एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, ओके, शायद आज 17% भागा इसलिए आपके रेडार पे आया होगा ये। तो एक्सप्लियो सॉल्यूशन में क्लियर रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये रिट्रेस करके आता है 645 से 650 के आसपास तो आप एंट्री ले लेना, अगर नहीं आता है तो छोड़ दें। 645-50 के जोन में आपको बाय करना है उसको। प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स, इसका पहले नाम फेयर कैम था, और जब इसका नाम फेयर कैम था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्विंग ट्रेड किया था, बहुत पहले की बात है, शायद मई जून की बात है, जब इसका नाम फेयर कैम हुआ करता था तब मैंने काफ़ी इसमें स्विंग ट्रेड किया, बहुत पहले इधर ये वाली जब रैली हुई थी ना इसकी, हाँ इस वाले जोन में कुछ 300 के आसपास बाय करके 600 के अराउंड सेल किया था, तो इस जोन में प्ले किया था मैंने इसको, और फिर इसका नाम भी चेंज हो गया था, फिर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया इसने, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट दिखाया था। फिलहाल अगर आप चाहते हो तो आप इसमें एंट्री, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी मत लो, क्योंकि अगर आप इसका पुराना स्ट्रक्चर भी देख रहे हो तो रनअप देने के बाद इसकी रिट्रेसमेंट करने की आदत है, तो ये स्टॉक का थोड़ा सा आपको नेचर भी देखना पड़ता है, कोई स्टॉक रिट्रेस करते हैं कोई नहीं करते, पर ये करता है रिट्रेस, ये मोस्ट प्रेफरेबली आपको इस जोन में मिल जाना चाहिए 980 से लेकर के 900 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 950 से 1000 रुपये के जोन में आपको मिल जाना चाहिए, तो आप ट्रैक करो इसको, कंपनी अच्छी है कोई डाउट नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको ट्रैक कर सकते हो। प्रीवियस स्पेशलिटी के बाद फोसेको, फोसेको इंडिया,
कुछ खास लग नहीं रहा जय भाई, डबल बॉटम कह सकते हो, एक हायर टाइम फ्रेम पे है, कोई डाउट नहीं है, एक बड़ा डबल बॉटम इधर बन रहा है। अब इस वाले जोन पे, जो कि जोन है अपना 1390 रुपये के आसपास का जोन है, 1390 के आसपास, हालांकि एक बार आ चुका है रिट्रेस करके, तो एक सेकेंड वॉल्यूम्स भी आ रही है इसमें, तो एक बार वीकली फ्रेम पे देखते हैं इसको। ओके, तो ये इशू है। वीकली फ्रेम पे अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और ट्रेंड लाइन का काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट भी दिया है इसमें, कह सकते हो अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बिल्कुल आप इसमें एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका बनेगा कुछ इस जोन के अराउंड, मतलब एग्जैक्ट अभी नहीं बनेगा, आपको थोड़ा इसका मूवमेंट देखना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको ट्रैक करने के लिए चाहिए एक लेवल जो आपका मेजर सपोर्ट जोन हो सकता है, तो वो 1320 रुपये के आसपास, 1320 के आसपास आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा, तो बिल्कुल एंट्री ले सकते हो। अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी बढ़िया आई है, आप यहाँ देख सकते हो, तो बिल्कुल इसमें एंट्री ली जा सकती है, कोई डाउट नहीं। फोसेको इंडिया के बाद आ रही है क्वेरी प्रिंस पाइप की। प्रिंस पाइप में क्या देखना है? प्रिंस पाइप्स तो यार काफ़ी ज़्यादा भागा है। किसकी क्वेरी है? साहिल भाई की है, डेली चार्ट पे चलेंगे। और प्रिंस पाइप, साहिल भाई कुछ इस जगह आप ट्रैक कर सकते हो प्रिंस पाइप को, कि अगर ये कुछ इस जोन में आपको मिलता है, 550 के आसपास आपको मिलता है, तो बिल्कुल इसमें एंट्री लेना, मतलब ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा आपको। तो कोशिश करो 550 के आसपास आपको मिल जाए इसमें एंट्री, तो वो एक अच्छा लेवल होगा। जिस तरह से रिट्रेस कर रहा है, देखो आज मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश था फिर भी इसने रिट्रेस किया ना, तो मतलब क्लियर इसमें अभी थोड़ा सेलर्स का प्रेशर बना हुआ है, तो हो सकता है आपको मोस्ट प्रोबेबली इस जोन में मिल सकता है 550 के आसपास। 2-3 रुपये मत देखना, अगर आसपास मिले तो ले लेना। ग्रोवर एंड वेल, ये काफ़ी टाइम से डेली आ रही है इसकी क्वेरी, इसमें क्या चल रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रहा है क्या टीवी चैनल्स वगैरह पे? ओके, तो ग्रोवर एंड वेल, ये लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था तो रिट्रेसमेंट के लिए बोला था मैंने, तो अब वैसे रिट्रेस करके अच्छे सपोर्ट पे ही आया है, तो ऐसा नहीं है कि, ज़रूरी नहीं है कि शायद पूरा का पूरा रिट्रेस करे भी, तो अब आप चाहो तो इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो इस लेवल से, और अगर नीचे गिर गिर के ये 47 तक भी आ सकता है तो वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका कुछ इस जोन का बनेगा 43 के आसपास, ठीक है, बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, कोई डाउट नहीं है। मंगलम ऑर्गेनिक्स, सन फार्मा बिल्कुल बाय कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड के तौर पर बाय कर सकते हो, 3 से 6 महीने काफ़ी बढ़िया आपको मोमेंटम दे सकता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट काइंड ऑफ हो रहा है उसका, 2019 या शायद 18 में आखिरी बार हाई टच हुआ था, उसके बाद जाके अब तोड़ा है उसने। मंगलम ऑर्गेनिक्स देख लेते हैं, मंगलम ऑर्गेनिक्स NSE पे नहीं है क्या? ओके, मंगलम ऑर्गेनिक्स अभी सेंस नहीं बनेगा बाय करने का, ये क्या हो रहा है, मंगलम ऑर्गेनिक्स अभी बाय करने का बहुत ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो चुका है। क्योंकि अगर अब मैं कहूँ तो इसका पहला सपोर्ट ही कुछ इस जोन में आएगा 610 रुपये के आसपास, जो कि आपके लिए लगभग लगभग 20-25% के अराउंड हो जाएगा, तो अभी आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है मंगलम ऑर्गेनिक्स में, अगर रिट्रेस करता है या बेस बनाता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि रिट्रेस करे स्टॉक, जिस तरह हमने अदानी गैस में देखा है, अदानी गैस ऊपर जाता है ऐसे 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 काफ़ी दिन तक चलता है, तो एक अच्छा बेस बना लेता है, तो जो करेक्शन होता है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि वो प्राइस करेक्शन ही हो, कभी कभी टाइम करेक्शन भी होता है। तो अगर ये यहाँ से फिर एक अच्छा बेस बना लेता है तो फिर अपन उसको कह सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट जोन बन जाएगा, फिर अपन उसमें एंट्री ले सकते हैं जब ये ऊपर जाता है। तो बेसिकली इसको बेस बनाने दो या फिर इसको रिट्रेस करने दो। IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल बाय कर सकते हो इस लेवल पे, धीरे धीरे बाय करना बस, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में डाउट रहता है ये, खास करके इस टाइम पे, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस मैं 100% बाइंग इसलिए करने को नहीं कह रहा क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना, हो सकता है कि आपको और अच्छे लेवल पे भी मिल जाए, बट जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा मैं कचरा हटाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियर इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि किस तरह से ये ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और अब पुल बैक लिया है आज, तो बिल्कुल आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो इसमें, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो तो 53 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो, तो भी एग्जैक्ट 52.9 के साथ ले सकते हो एंट्री,
स्टॉप लॉस के साथ। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर रहे हो तो 100% अगर आपको बाय करना है तो 10-15 करके डालते रहा करो धीरे धीरे। टुडे ट्विटर ट्रेंड बिटकॉइन लिया क्या? नहीं, मैं ऐसे ट्रेंडिंग वेंडिंग देख कुछ नहीं लेता। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कंपनी है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है कोविड से। या स्ट्रक्चर भी अभी कुछ खास नहीं है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्ड है तब आपको होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाय करने के लिए तो नहीं है स्ट्रक्चर अच्छा। इसके बाद क्वेरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जल्दी से बताओ ये किसने पूछा है। फ्यूजन फूड जल्दी से बताओ कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो तो मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक चीज़ सिखानी है सबको, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं, ज़्यादातर जो स्टेबल स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले उनमें फॉलो होती होती है, ज़्यादातर में आपको दिख जाएगा। तो पहले आपका जवाब देख लेते हैं, फ्यूजन फूड ने पूछा है क्वेरी, तो जल्दी से बताओ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। तब तक बाकी लोग क्या कह रहे हैं, और बताओ यार कुछ क्वेरीज के सिवा। आज सब लोगों ने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा, ये बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक भागा आपका आज। सब लोग जल्दी जल्दी डालो कि आज आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा भागा। फ्यूजन फूड पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो फ्यूजन फूड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसका रीजन है कि यार ये शॉर्ट टर्म में क्या मोमेंटम देगा आपको, कुछ खास मोमेंटम देगा नहीं, 10-15%। उससे बेटर है आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे अच्छे ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में मत जाया करो। ये बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर तब होता है जब आपका थोड़ा अच्छे लेवल पे हो पोर्टफोलियो, मतलब थोड़ा बड़ा पोर्टफोलियो हो, तो आप स्टेबिलिटी के लिए बाय करने चाहिए आपको इस तरह के स्टॉक्स, जो कि आपको ये पोर्टफोलियो को शॉक्स वगैरह से बचाएं और स्टेबल रखें, प्लस एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपको देते रहें 15-16% की पर ईयर। तो अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था, जो कि नॉर्मली अगर आपको और भी कोई स्टॉक देखोगे जो स्टेबल स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म वाले अप ट्रेंड वाले, तो उनमें आपको दिख जाएगा कि अगर आप उनके वीकली चार्ट पे जाते हो तो इजीली दिखेगा कि जनरली ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना तो सीधे अप ट्रेंड में ही होते हैं काफ़ी सालों से। अब आप इसको देखो 2018 से फॉलो कर रहे हैं, सीधे अप ट्रेंड में होते हैं, उनका वीकली चार्ट क्लियर इस चैनल को फॉलो करता रहता है। तो बेसिकली अगर आप सेलिंग में भी बिलीव करते हो तो आप जब आपको दिखता है कि ये इस जोन में आते हैं तो आप चाहो तो सेल कर दिया करो। और ये सेलिंग हो गई, खास लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं, पर लॉन्ग टर्म वालों को ये ध्यान रखना है कि आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया करो। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक आता है तो आप थोड़ा सा और बाय कर लिया करो, जिसको जैसे अपन बोलते हैं ना SIP वगैरह। तो हर 6-7 महीने में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है इन स्टॉक्स में, तो जब भी वो मिले, जब भी टच करें इनको, तो आप इनको धीरे धीरे करके बाय करते रहा करो। तो फिर SIP करने में क्या होगा ना, आपका यहाँ भी बाय होगा, यहाँ भी बाय होगा, यहाँ भी बाय होगा। तो अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर समझ सकते हो अपने स्टॉक का तो आप SIP करने से बेटर है। जो आपको रेगुलर HUL वगैरह में इन्वेस्ट करना होता है वो आप इन जोन में बाय किया करो, तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है और जो प्रॉफिट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आएगा। अच्छा, गुड लक में सर्किट लगा के। गुड लक तो मेरे पास ही पड़ा यार, मैं ध्यान ही नहीं देता इस पर। अच्छा, सर्किट लगा हो जिस पर, चलो बढ़िया। यहाँ अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इसमें 63 के जोन में, और अब इस लेवल का भी हो ही गया ब्रेकआउट, देखते हैं। अब ये लगता है 140 तक या 130 तक तो चला जाएगा। पॉलीमेड लिखने रहे हैं। पॉलीमेडिक्योर में क्या चल रहा है? पॉलीमेडिक्योर यहाँ बोला था चाहो तो बाय कर लो थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा था ज़्यादा रिट्रेस करेगा, है ना, किया भी नहीं इसमें ज़्यादा रिट्रेस, तो ऐसे ही बाय कर लो इसको। अब मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ये गिरेगा, क्योंकि अब इसका तो सेक्टर भी स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा, प्लस इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे। तो चाहो तो अगर इस जोन में मिल जाए 980 से लेकर के 1000 के आसपास तो बाय कर लेना, नहीं तो फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके ऐसे आएगा जब ये, तो यहाँ बाय कर लेना, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाके वापस यूँ आया तो फिर अगली बार बाय कर लेना जब अगला डिप आएगा। तो अभी आप बाय करोगे तो फिर आपका रिस्क होगा कि वापस ही ऐसे आ जाए, फिर लॉस देखना पड़ेगा। KPIT Tech फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे तो सर कमेंट नहीं है KPIT में, क्योंकि मैंने पर्सनली स्टडी नहीं किया है। जो सुना है वो तो अच्छा ही सुना है, बट जब तक मैं पर्सनली स्टडी नहीं करता तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर तो एकदम अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है। अगर आप बाय करते हो तो कुछ 190 या 185 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है।
कैन वी ऐड इंडिया मार्ट? इंडिया मार्ट आपको ऐड करना है तो देख लेते हैं। इंडिया मार्ट आपको ऐड करना है, इंडिया मार्ट काफी ज्यादा गिर रहा था, अब स्टेबल हुआ क्या? ओके, तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है इस सपोर्ट जोन पे। तो यार थोड़ा सा इसको ऊपर आने दो, अगर मैं आपकी जगह होता, जैसे देखो अभी आप अगर बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल बाय कर सकते हो, अगर आपको वो शौक है कि एकदम बॉटम पे बाय करने का शौक है तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेके अभी बाय कर सकते हो, और 7,000 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, और 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ अभी एंट्री ले सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो भी 7,000 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में बाय कर रहे हो बिना ट्रेंड रिवर्सल के, ठीक है? और अगर आपको वो चाहिए कि यार मैं बस बाय करना है, मेरे को वो स्टॉप लॉस वॉप लॉस का झंझट नहीं चाहिए, तो फिर आप इसको बाय करना जब ये 7,700 रुपये के ऊपर आ जाता है, ठीक है? 7,700 रुपये के ऊपर आ जाएगा तो इसका बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी और शॉर्ट टर्म में आपको रनअप भी देखने को मिल जाएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1,070 की बाएंगे, होल्ड कर सकते हैं क्या? अभी डिस्कस किया ना श्रीराम ट्रांसपोर्ट, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, बट जिनके पास है उनको सेल भी नहीं करना है। बेसिकली थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन में गया हुआ है इस टाइम पे, बट सपोर्ट अच्छा मेंटेन कर रहा है इस लेवल का, 1260 रुपये के अराउंड का जो लेवल है, अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, तो बिल्कुल होल्ड करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम पे। और आपकी बाइंग भी लोअर लेवल की है तो आप कुशन पे बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंजक भाई की क्वेरी है, ICIL चार्ट लुकिंग गुड। ICIL क्या होता है? इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज चार्ट लुकिंग गुड, यार इसका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। वैसे सबसे मेजर रेजिस्टेंस क्या आप लोगों को दिख रहा है? मतलब अब तो धीरे धीरे आप लोगों को भी चार्ट में दिखने लगे होंगे, तो आपको ये जोन क्या आपको निकल के आ रहा है कि देखो सबसे ज्यादा बार इसी जोन से भिड़ के ये स्टॉक रिवर्स हुआ है। जैसे जब नीचे गिर रहा था तो इस स्टॉक से जोन से भिड़ के ऊपर चला गया, और जब ऊपर जा रहा था तो स्टॉक जोन से भिड़ के नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे, पूरा ही नीचे आ गया। तो सबसे मेजर जो इसका रेजिस्टेंस मेरे को अभी इस पूरे स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो 152 के आसपास का दिख रहा है, जहाँ पे एग्जैक्टली आज ये रुका है। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एज अ रूल ऑफ थंब आप ले सकते हो कि अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आप फिर उस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर जाने दो और ऐसे करके आने दो, तो अपन ऐसे कहीं बाय कर लेंगे, ठीक है? तो इसको रेडार पे रखो बिल्कुल, और एज अ लेवल आप ये ले सकते हो कि 154 के आसपास ये जाता है या क्लोजिंग देता है, तो आप बताना मेरे को, ठीक है? करेंटली बेस्ट स्विंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू यू? यार करेंटली बेस्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरे को ICICI सिक्योरिटीज़ का लग रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है। और बाकी ये किसने क्वेरी पूछी है? नीलभ भाई या नीलभ सर, डिस्कॉर्ड पे आप आ जाओ, या डिस्कॉर्ड पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे हैशटैग स्विंग आइडियाज़ करके है, तो उसमें आपको फिर है ना बार बार पूछना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि मेरे को भी यार ऐसे एकदम से कोई पूछे ना याद नहीं आता कि कौन सा स्टॉक मैंने बता रखा है या कौन सा ले रखा है। तो उसमें मैं सारे के सारे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ विद स्टॉप लॉस विद टारगेट। तो इस टाइम अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है ICICI सिक्योरिटीज़ का, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, काफ़ी मेजर अगर आप देख सकते हो, काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है जो इसने तोड़ा है और ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज भी सस्टेन किया अच्छा खासा, 440 के आसपास, 440 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें एंट्री ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और एक दो स्टॉक, चलो आपने पूछा ये स्विंग अपॉर्चुनिटीज, तो एक दो स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। BSE है, BSE मैंने कल चार्ट भी डाला था, पर BSE हमें अभी बाय नहीं करना है। BSE या तो हम बाय करेंगे अगर ये 660 या फिर 670 तक भी आ जाए तो हम एंट्री लेंगे BSE में, मतलब कम से कम यहाँ से एटलीस्ट 30-35 रुपये नीचे आ जाए, या फिर ये 723 का ब्रेकआउट दे दे, तो 720 का ब्रेकआउट देता है तब अपन या तो इसमें फिर फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं, या फिर ये थोड़ा नीचे आ जाए 660 से 70 के आसपास, ठीक है? और जो मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे लग रही है, डायमाइंस मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, हालांकि छोटी कंपनी है तो थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 285 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के डायमाइंस में अच्छी एंट्री ली जा सकती है। और यहाँ पे जो जो बैठा ना जल्दी से मेरे को बताओ इसका चार्ट पैटर्न देख के आपको कौन सा स्टॉक याद आ रहा है जो मैंने रिसेंटली दिया था। चलो क्लू भी दे देता हूँ, 2500 के आसपास दिया था मैंने वो स्टॉक, पर एकदम सेम पैटर्न था इसका, मतलब एकदम से मैं एग्जैक्टली तो नहीं बट टेक्निकली यही, मतलब दोनों को सेम ही कैटेगरी में डाल सकते हैं पैटर्न को। जल्दी से बताओ केमिकल सेक्टर का ही था वो, 2500 के आसपास था, आप लोग जवाब दो। फिर एक ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है, ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट बिल्कुल इसको CMP पे बाय किया जा सकता है, बहुत बढ़िया।
जिंदल सॉ काफ़ी बढ़िया लग रहा था, बट थोड़ा सा इसका लेवल निकल गया। मैंने लगभग 3-4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके मैंने इसको रिकमेंड किया था 885 से 886 के जोन में, बट अब थोड़ा सा ये निकल गया है। तो अब देखते हैं, या तो अगले लेवल का ब्रेकआउट देगा तब देखेंगे, या फिर रिट्रेस करेगा तो देखेंगे। अगर 90 के आसपास मिल जाता है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल के लिए। तो हाँ, फाइन ऑर्गेनिक सब सबने पहचान लिया, चलो बढ़िया। तो फाइन ऑर्गेनिक में आप देख सकते हो जाके कि किस तरह से ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है। ये जो चैनल का ब्रेकआउट होता है ना, मतलब बेसिकली चैनल का ब्रेकआउट काइंड ऑफ मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है। डोज 0.47 पे आया है अभी, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लो और क्या है। 42 के आसपास अच्छा सपोर्ट है उसका, तब ले लेना, देख लेना। आयशर मोटर पर व्यू, आयशर मोटर पर व्यू खुल जा, आयशर मोटर ट्रेडिंग व्यू का भी अलग ही नाटक है। आजकल तो क्रिप्टो में इतना ज़्यादा वो चल रहा है ना, तो हर कोई ट्रेडिंग व्यू पर बैठा रहता है, इसलिए ट्रेडिंग व्यू भी स्लो हो गया आजकल। तो यार हायर हाई बना लिया एक, मतलब काइंड ऑफ हायर हाई तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि बहुत क्लियर हाई है नहीं यहाँ पे कोई भी, लगातार डाउन ट्रेंड ही था। बट आप ये कह सकते हो क्लियरली एक जो इसने लो बनाया स्विंग लो, वो पिछले लो से ऊपर बनाया, तो ये काफ़ी बुलिश है। और जब ये इस ट्रेंड लाइन से जाके भिड़ा था इस वाले दिन पे, जब ये 5% भागा भी था, तब भी मैंने सबको यही वार्निंग दी थी कि जिस तरह हम कभी भी रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी बाय नहीं करना है। या तो अब इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने दो, क्योंकि कितना लंबा इसका डाउन ट्रेंड है ना, ये आप देख सकते हो। तो फिर ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं ऐसे टाइम पे कि वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ही लेगा। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना, मोस्टली क्या होगा कि अगर ऑटो सेक्टर धीरे धीरे बुलिश होना स्टार्ट होता है, तो ऐसे करके 2-3 बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो वैसा कुछ होता हुआ दिख रहा है फिलहाल में, तो देखते हैं अपन क्या होता है। बाकी अगर किसी के पास है तो होल्ड करो, या लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं लिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया के टारगेट, ग्रैन्यूल्स इंडिया काफ़ी टाइम पहले एक बार मैंने डाला था उसका चार्ट, ट्विटर पर भी डाला था कुछ इस वाले जोन पे। यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट देखे, यहाँ ये था 325 के अराउंड। तो आपने किस लेवल पे बाय किया उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, टारगेट्स वगैरह और स्टॉप लॉस आपको किस तरह मेंटेन करना है। बट अज्यूमिंग कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 344 के जोन का। 344 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। और फिलहाल के लिए जो आपका टारगेट रहेगा 375 रहेगा शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट, और उसके बाद अगला टारगेट अगर अपन देख लें तो 395 के आसपास रहेगा। ठीक है, ग्रैन्यूल्स बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया। काइंडली चेक KSB, KSB देख लेते हैं कहाँ से लाते हो इंजित भाई इतने सारे स्टॉक। ब्रेकआउट देने तो इसको 950 के लेवल का, अभी तक दिया नहीं ब्रेकआउट। वॉल्यूम्स अच्छी है, रेडार पर रख सकते हो, पर ब्रेकआउट दिया नहीं अभी तक। किर्लोस्कर फेरस पे क्यों, किर्लोस्कर फेरस तो शायद पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते डाला था स्विंग आइडिया सेक्शन में। स्विंग आइडिया सेक्शन अगर आप लोगों को पता ना हो तो डिस्कॉर्ड पे जो स्विंग आइडिया सेक्शन है वो हर संडे को रात को मैं अपडेट करता हूँ। अब कुछ लोग उसको रात बोलेंगे, कुछ लोग सुबह बोलेंगे, बट संडे को या मंडे को आप कह सकते हो सुबह 4-5 बजे तक वो आ जाता है। तो कोशिश करेंगे अगली बार से थोड़ा और जल्दी करें, सैटरडे को डाल दें, बट टाइम नहीं मिल पाया था इस वीक। तो वीकेंड पे वो अपडेट हो जाता है, सैटरडे संडे, मतलब मंडे को आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिल ही जाएंगे वो। तो यहाँ पे रिकमेंडेड था उसमें 210 के आसपास। तो अभी यार किर्लोस्कर फेरस बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पूरा ही खराब हो चुका है इसका। तो इसको रिट्रेस करने तो 235 तक या उससे भी नीचे 225 तक भी आता है, जो कि बहुत मुश्किल है आना। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर वॉचलिस्ट में है तो भी निकाल ही दो, मतलब कोई मतलब बनेगा नहीं अब इसको ट्रैक करके, क्योंकि एक अलग ही लेवल पे चला गया है जहाँ पे एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, और जिस तरह का भी जिस तरह से इसका सेक्टर भाग रहा है तो शायद ये रिट्रेस भी ना करे, पर एंट्री मैं इसलिए नहीं दे पाऊँ क्योंकि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगा मेरे को। प्लीज़ बता दो हाउ इज़ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एंड अजंता सोया। अजंता सोया पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बहुत बढ़िया कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय है। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में काफ़ी बार बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था 2300 के जोन में, यहाँ बिल्कुल बाय किया जा सकता था गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। इनफैक्ट अभी भी बाय कर सकते हो, हालांकि अगर थोड़ा मार्केट वीक होता है तो ये यहाँ तक भी आ सकता है 2700 तक। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, जैसे 100 शेयर अगर बाय करने हैं तो 10-12 करके कर सकते हो धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी कभी भी एक बार में तो डालोगे नहीं पैसा, और अगर डालते हो तो गलत है। OCCL में क्या चल रहा है, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स, OCCL
हाँ वॉल्यूम अच्छा है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी कह सकते हो क्योंकि अच्छी खासी लंबी विक गई है ऊपर, तो बाय कर सकते हो सीएमपी पे। 900 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है आपको, 900 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। जो लोग भी नए लोग आए हैं उनको बता दूँ हमारे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं 3:15। आपको सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक चेक नहीं करना है अपना स्टॉप लॉस, आपको चुपचाप जाना है 3:10 या 3:15 के बाद, देखना है आपका स्टॉक अगर स्टॉप लॉस जोन के नीचे है और क्या आपको लग रहा है कि वो नहीं रुक पाएगा उसके नीचे, मतलब अगर नहीं वापस आ पाएगा इस तरह के आपको इंडिकेशन लग रहे हैं तो आप निकल जाना। दीपक नाइट्रेट, आई बॉट आफ्टर योर रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल यार बिल्कुल, उसको लॉन्ग टर्म के बाय करके शांति से बैठे रहो, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया और आने वाले शॉर्ट से मीडियम टर्म में आपको बहुत बढ़िया उसमें रनअप भी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। बाकी आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको स्टॉप लॉस की टेंशन नहीं लेनी है। ज्योति लैब किसी ने पूछा था, कुछ ज़्यादा कचरा है ज्योति लैब में, तो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, इसका यही प्रॉब्लम है। शायद कल भी हमने मतलब लास्ट टाइम जब भी क्वेरी सेशन हुआ था तब भी मैंने यही बोला था कि यार ये हिलता ही नहीं है, इसकी प्रॉब्लम ही है। और थोड़ा सा जब हिलता है जैसे यहाँ पे देखो ये 5.5% भागा तो लोगों को लगा कि अरे बाप रे ज्योति लैब 5.5% भाग गया, मतलब लोग इतने खुश हो गए यार। उसके बाद देखो पूरा का पूरा कैसे वापस, यहाँ देखो 3% भागा पूरा का पूरा वापस, तो वही प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग है, सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैंड बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक है। इस वजह से जब स्टॉक के जो होल्डिंग होती है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है बड़े प्लेयर्स के अंदर, तो फिर उसमें रनअप जल्दी आते हैं, और ऐसा मुझे लग नहीं रहा ज्योति लैब में कुछ है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर पहले ऑलरेडी है तो होल्ड करो, वेट करो कि 150 का ब्रेकआउट दे दे, तब शायद कुछ हो जाएगा उसमें। सोमी कन्वेयर बेल्ट में क्या, यार लाइक नहीं किया आप लोगों ने, मैं अभी तक बोला नहीं एक बार भी, तो कोई लाइक नहीं कर रहा, ऐसे नहीं चलेगा यार, तुरंत लाइक करो और 90 लाइक्स पहुंचा दो, और कम से कम 100 हो जाने चाहिए सेशन खत्म होने तक, 90 लाइक्स पहुंचा दो तुरंत जल्दी से जल्दी। सोमी कन्वेयर बेल्ट 38 की बाएंगे, 38 की बाएंगे, होल्ड करो शांति से, कुछ कर नहीं सकते हो बाप, और जब तक अपर सर्किट मार रहा है मारने दो, जब तक मार रहा है मजे लो, और फिर अगर कुछ बिगड़ता है तब अपन देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अभी तो कोई कमेंट नहीं है सोमी कन्वेयर में, फ्रेश बाइंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मेघमणि फॉर शॉर्ट टर्म, मेघमणि काफ़ी ज़्यादा बुलिश तो है बट रिस्क रिवॉर्ड, हाँ बिल्कुल मेघमणि में बिल्कुल एंट्री ले सकते हो। बस अब देखो 7% गिरा ना, तो फिर आपको भी समझना पड़ता है, 7% गिरा है प्लस कैंडल भी एकदम बिना विक वाली कैंडल बनी है, तो ये बहुत स्ट्रांग कैंडल होती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसका सपोर्ट है 135 का, क्या ये इस 135 के सपोर्ट से पलटने लगता है अगले दिन, तो आप एंट्री ले लेना, आपको दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा आपको भी दिख जाएगा कि यहाँ से ये पलट रहा है और स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है, और नहीं पलटता है तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है 130 तक, मतलब बेसिकली अब आपको यही देखना है कि कहाँ से ये पलटेगा, बट बिल्कुल इसको रेडार पे रख सकते हो, अच्छा रिट्रेस किया, और हो सकता है यहीं से भी पलट जाए या फिर 130 तक से पलटने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं, तो बिल्कुल इसको रेडार पे रख सकते हो। रिलायंस फॉर शॉर्ट टर्म, रिलायंस यार मेरे को लग रहा है भागेगा, बट रिलायंस में इंडेक्स मैनेजमेंट इतना ज़्यादा होता है कि रिलायंस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, देखते हैं अब क्या होता है रिलायंस में। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाय कर रहे हो तो 1875 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लेना, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो। डिक्सन बाय लेवल, डिक्सन टेक, ओके डिक्सन टेक बढ़िया रिट्रेस किया जिस तरह, देखो इसीलिए मैंने बोला था कि जहाँ यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि बाय कर लें, तो इसीलिए बोला था कि अगर 100 रुपये डालने तो 15 रुपये डालो, ये पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे थे जिस तरह ये भागा है कि एक बार फिर से ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा, तो अभी कल हो सकता है कल ही इस ट्रेंड लाइन को टच करे या फिर अप्रॉक्सीमेटली यहीं कहीं इसे पलट जाए, तो अगर यहाँ से आपको पलटता हुआ दिखता है तो फिर आप थोड़ा एंट्री ले सकते हो। जैसे 100 रुपये डालने थे और आपने 15 रुपये यहाँ डाले या नहीं भी डाले, तो अब अगर आपको 100 रुपये डालने हैं तो 25 से 30 रुपये डाल देना, 100% तो अभी भी मत डालना क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो तो धीरे धीरे ही बाय होगा। थैंक्स भाई, कोई नहीं यार, सिमरजीत भाई, सिमरनजीत, ओके। आदि भाई की क्वेरी है बोरोसिल फ्रेश एंट्री, बोरोसिल में क्या एंट्री बनेगी, ओके तो 100 वॉचिंग हिट हुई है आज भी यार, तो 100 लाइक्स भी करवा दो हिट यार, ऐसे मत करो।
तुरंत 90 लाइक्स हो जाने चाहिए, वरना जो लाइक नहीं करेगा उसकी क्वेरी नहीं लूंगा मैं। ओके, तो बोरोसिल कुछ इस लेवल पे डिस्कस हुआ था, याद है क्या? पर मैंने रिकमेंड नहीं किया था, ना ही मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार नहीं आता कन्विक्शन बोरोसिल जैसी कंपनी में, बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन होती है। बट यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था, अपने स्कैन में निकल के आया था, 5 स्टार रेटिंग भी मैंने इसको दी थी, पर फिर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए। तो वही बात है, अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ से ऑलमोस्ट 20% भाग चुका है, बट फिर भी अभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बोरोसिल जैसी कंपनियों को। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, दूर से नमस्ते कर देना चाहिए। तो वैसा ही है मेरा और बोरोसिल का कुछ रिलेशन, मैं दूर से छोड़ देता हूँ। एम्बर चाहो तो बाय कर सकते हो बिल्कुल, बट एक बार इसको यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने देना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आप इसको 3,100 रुपये 3,100 के लेवल के ऊपर जाने देना, तब आप इसमें एंट्री ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, बस और कुछ नहीं। अगर 3,100 के ऊपर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसने सपोर्ट ले लिया ट्रेंड लाइन का, ठीक है? तो 3,100 या इनफैक्ट हाँ मतलब 3,100 के ऊपर जाता है तो बाय कर लेना। मेलकॉम इंडस्ट्री होल्ड और सेल। मेलकॉम तो कुछ मिल नहीं रहा है यार, स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? मेलकॉम खो गई, चलो क्वेरी खो गई। ओके, मेलकॉम एल नहीं है यहाँ पे। ओके, फिर भी नहीं आ रहा यार, स्पेलिंग आप एक बार चेक करके फिर से डाल दो अमर भाई। आशापुरा माइंस केमिकल्स यार 100 लाइक कर दो जल्दी से, ऐसे मत करो। आशापुरा माइंस यार यहाँ पे बाय करना था ना आपको, यहाँ बाय करना था 150 के अराउंड, बट नहीं भी किया तो भी डरो मत। यार सर्किट वर्किट मारती है, लिक्विडिटी का इशू है कंपनी में। मैं तो मतलब पर्सनली तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगा इस तरह की कंपनी, और ना ही मैं खुद एंट्री लूँगा कभी जिनमें सर्किट्स लगते हैं जिन कंपनी में, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर गिरती गई तो फिर आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्टॉप लॉस तो आप लगा लोगे, पर आपको खरीदने वाला भी तो कोई मिलना चाहिए ना। तो 143 तक आती तो थोड़ी सेफ होती बाय करने के लिए, बट छोड़ दो इसको। एक्सपायरी क्या और कब होती है बताना? एक्सपायरी कुछ नहीं होती है, एक्सपायरी बेसिकली क्या होती है कि ऑडियो कम है। नहीं यार मेरे को तो नहीं लग रहा, शायद वॉल्यूम तेज कर लो। तो जो क्वेरी है क्या थी, एक्सपायरी क्या होती है और कब होती है? एक्सपायरी होती है बेसिकली, एक्सपायरी का काम होता है कि किस तरह समझाऊँ आपको, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के। तो अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपको नहीं पता तो वो आप यार गूगल पे डाल देना तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे बता के क्या करूँगा ना। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है उनको एक्सपायरी कहते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर्स मतलब होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो कि मैं जैसे 2400 का अगर मैंने HUL का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, उसका मतलब हो गया कि अब मैं 2400 के प्राइस पे HUL आपसे खरीद लूँगा एक्सपायरी वाले दिन पे, समझ रहे हो? तो उसको कहते हैं एक्सपायरी वाला दिन। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट होती है ना, फ्यूचर या ऑप्शन होते क्या हैं, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी जो डेट होती है उसको कहते हैं। और बताओ क्या क्वेरी है? एम्फोसिस यार, बाकी लोग बताओ कि ऑडियो कम आ रही है क्या? मुझे लग नहीं रहा ऑडियो में शायद कोई इशू है, अगर कम आ रही है तो बताओ आप लोग। ऑडियो में थोड़ी डिस्टरबेंस है, क्या डिस्टरबेंस आ गई ऑडियो में? अच्छा नहीं, ऑडियो इज फाइन, काफ़ी लोग तो यही बोल रहे हैं, मतलब डेली जैसी है ना। अब थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी डिस्टरबेंस आती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई प्रोफेशनल माइक लेकर नहीं बैठे, बट डेली जैसी आती है वैसी आ रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? वैसे भी यार यहाँ पे हम लोग गाना गाने थोड़ी बैठे हैं। एम्फोसिस बिल्कुल बाय किया जा सकता है CMP पे, पहले भी डिस्कस हुआ है शायद इन लेवल्स पे। एम्फोसिस बिल्कुल बाय किया जा सकता है CMP पे, कोई डाउट नहीं है। 1735 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाय कर सकते हो। जैसे ही आप बोल रहे पीछे से बैकग्राउंड डिस्टर्ब है, क्या हो रहा है? चलो बाद में देखते हैं क्या इशू हो सकता है, एक मिनट रुको, चलो मैं अपना हेडफोन निकाल के वापस उसको कनेक्ट करता हूँ, कुछ इशू हो सकता है।
हेलो, अब बताइए, अब ऑडियो में कोई अब ऑडियो में इम्प्रूवमेंट हुआ क्या कुछ? अब बताइएगा कि ऑडियो में इम्प्रूवमेंट है तो। तब तक अपन क्वेरी देख लेते हैं। वन स्टॉक यू रिकमेंड फॉर टुमारो। आदि भाई, आपने डिस्क्रिप्शन से, मुझे लगता है शायद डिस्कॉर्ड अपना ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्कॉर्ड उसी लिए होता है कि हम लोग यूट्यूब पे तो बेसिकली मैक्सिमम क्या ही कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत व्यू दे सकता हूँ मैं अपना और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर मैं जब स्टडी करता हूँ तब मैं हर कोई मेरे को अच्छा स्टॉक मिलता है तो हर बार तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता उसके लिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको उस पर पोस्ट कर देता हूँ। तो स्विंग आइडियाज़ करके एक सेक्शन होता है यूट्यूब पे, उस पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे स्टॉक्स जो मेरे को उस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं। और कल ही मैंने डाले 8-10 स्टॉक्स, तो उनमें आप देख सकते हो किस में आपको बेटर लग रहा है। अब अच्छी आ रही है ऑडियो। अरे तो ये फिर शायद उसका इशू है, शायद ड्राइवर का कुछ इशू होगा, तो मैंने ड्राइवर को एक बार स्टॉप करके वापस स्टार्ट किया, मतलब टास्क मैनेजर में जाके, और हेडफोन वापस कनेक्ट किया, तो यार बता दिया करो ये वाला इशू है, तो फिर मैं समझ गया ये शायद हेडफोन सही से कनेक्ट नहीं हुए थे। नोसिल में क्वेरी है, नोसिल देख लेते हैं। भरत भाई की एक क्वेरी आ रही है। भरत भाई, थोड़ा आपने जो जिस तरह से लिखा है ना, तो वो यूट्यूब उसको हाइड कर देता है, अभी मैंने उसको शो कर दिया है, पर अगली बार से कोशिश करना इस तरह ना लिखो वरना यूट्यूब आपको शायद ब्लॉक भी कर देगा। यार नोसिल यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था ना, जिसको बाय करना था, पर अगर अभी भी नहीं किया है बाय, तो कुछ इस लेवल के आसपास आए तो बाय कर लेना। 195 से लेकर के 200, मतलब कर सकते हो इस रेट पे बाय, कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो बिल्कुल। और 186 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, 185 का ऑन एन एवरेज, मतलब अप्रॉक्सीमेट लेवल। ओके, अब मस्त ऑडियो आ रहा है, तो चलो यार ये ऑडियो इशू होगा, सॉरी यार, कोई दिक्कत नहीं। 100 लाइक्स कर दिया आप लोगों ने यार, तो 110 करो फिर, सेटिस्फाई ना हम मार्केट में होते हैं ना लाइक से होते हैं, ठीक है? जिस तरह मार्केट में हम टारगेट ऊपर ले जाते जाते हैं, उसी तरह लाइक्स के भी टारगेट ऊपर जाते जाएंगे। ताल एंटरप्राइज करती क्या है ये कंपनी, गानों से रिलेटेड है क्या, एंटरटेनमेंट या म्यूजिक इंडस्ट्री में? ताल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस 500, 539 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय किया जा सकता है, क्योंकि लगातार अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर है। बाकी कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि मैं स्विंग ट्रेड के लिए मतलब एकदम कोई बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, लगातार हायर आए हायर लो बन रहे हैं, तो उस हिसाब से एंटर किया जा सकता है। यार बस इसमें इशू है ये है कि देखो, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कि इसमें सर्किट्स लग रहे हैं, बट इधर देखो ये 5%, ये देखो ये 5% माइनस, और ये देखो कैंडल्स, मतलब डेड कैंडल्स है ना, मतलब एकदम विदाउट एनी विक्स, तो उससे मेरे को लिक्विडिटी का इशू लग रहा है इसके अंदर। बहुत छोटी कंपनी है क्या ये? हाँ कंपनी काफ़ी छोटी है, 1700 करोड़ की, तो लिक्विडिटी का आपको इशू आ सकता है, वॉल्यूम्स आपको शायद ज़्यादा नहीं मिलेगी इसमें, बट अब आपका रिस्क है। अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो 539 के स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा ही है। टाटा स्टील 900, 950 पे आपने बाई किया है, 900, 950 से आपका सवाल क्या है कि वो वहाँ तक आएगा या फिर आपने वहाँ पे बाय कर रखा है? अगर 900, 950 पे बाय कर रखा है तो बिल्कुल होल्ड करो, लास्ट अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील में मेरे को यहाँ दिखी थी जब एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और मैंने डाला भी था, इसीलिए डिस्कॉर्ड पे बने रहना ज़रूरी है। फिलहाल अब देखते हैं फिर से ऐसा कोई कंसोलिडेट करता है या करेक्शन देता है, यहाँ तक भी आता है अगर 1000, 1200, 1100 तक, तो फिर बनेगी अपॉर्चुनिटी। अभी तो कोई टाटा स्टील में ना शॉर्ट करने की ना लॉन्ग करने की कोई खास अपॉर्चुनिटी है नहीं। किर्लोस्कर फेरस 215 पे बाय है। यार इतनी बार रिपीट आप सेशन नहीं देख रहे थे क्या? किर्लोस्कर फेरस डिस्कस तो हुआ है, होल्ड करना है बिल्कुल आबिद भाई। अरे एक काम किया करो, आप लोग अपनी क्वेरी डालते हो ना, दूसरों की भी एक बार सुन लिया करो क्वेरी, बहुत सारे आपके कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं जो सेम स्टॉक रिपीट होते रहते हैं। और 110 तक लाइक पहुंचे नहीं है तो ऐसे चलेगा नहीं। मेलकॉम MALL, ओके मेलकॉम इंडिया, कर सकते हो भाई यार, पर वो ही है कैंडल्स देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इसमें लिक्विडिटी वगैरह। अरे इसमें तो यार लिक्विडिटी का इशू है, नहीं रिजेक्ट है ये, देखो ना इधर वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे देखना वॉल्यूम, ये देखो 500, 400, 300, 1000, 500, 1000 शेयर एक दिन में, नहीं क्लियर इसमें लिक्विडिटी का इशू है, दूर हो जाओ, ठीक है दूर रहना इस कंपनी से। होल्ड और सेल, अच्छा 380 पे आपने बाय किया, आप होल्ड कर लो और कुछ इस लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करो, अगर आप लंबा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो 600 रुपये के आसपास मेंटेन करना क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर उतना लंबा नहीं करना चाहते तो 650 का क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करो,
उसके नीचे आता है तो निकल जाना, ऑलरेडी आप इतने लोअर लेवल पे आपने एंटर किया है तो फिर इसलिए आप होल्ड कर सकते हो। योर व्यू ऑन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट पे मेरा व्यू, चलो मैं भी देखता हूँ क्या व्यू है मेरा। अच्छा है, परसिस्टेंट हायर आया, हायर लो, लगातार ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है। तो अगर आप परसिस्टेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, या इनफैक्ट मतलब थोड़े लंबे समय के लिए 5-6 महीने के लिए बाय करना चाहते हो, तो फिर आपको इसको रिडार पे रखना है और ट्रैक करना है जब ये वापस अपनी इस ट्रेंड लाइन पे आता है। और आएगा, अब वो कितने टाइम बाद आएगा, कब आएगा, पर वो आएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये बड़ा रनअप दे के आपको 3,000 तक भी ले जाए, बट फिर वापस ऐसे घूमते घूमते स्टॉक आ जाते हैं, और ये हमने होते हुए देखा है, पहली बार नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो वर्लपूल जाके देखो, PGHL जाके देखो, आ जाते हैं स्टॉक वापस। तो परसिस्टेंट में भी कुछ ऐसा ही होगा, अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो 6 महीने या उसके लिए बाय करना है आपको, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाय करना। शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो अभी कर सकते हो बाय, और 2170 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अभी बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। काइंडली चेक अजंता फार्मा, अजंता फार्मा, अजंता फार्मा शायद रिकमेंडेड था ना। हाँ, अरे इंजक भाई आप वो नहीं देखते हो, स्विंग आइडिया सेक्शन नहीं देखते हो, पुराने मेंबर होकर के भी आप स्विंग आइडिया सेक्शन नहीं देख रहे हो। अजंता फार्मा यहीं पे रिकमेंडेड था इस लाल कैंडल बनने के बाद, और इसने 3 दिन मौका भी दिया उसके बाद आपको 1800 रुपये के आसपास बाय करने का, तो वहीं पर रिकमेंडेड था, आपको बाय करना था अगर आपको पसंद आ रहा था तो। अब आपको बाय करना है, अगर ये आता है 1940 के आसपास आता है तब बाय करना है, या 2050 रुपये का ब्रेकआउट देता है तो कर सकते हो। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक में क्या चल रहा है, लाइक करो यार, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप, खुद से लाइक करो या फिर दूसरी आईडी से लाइक करो, घर वालों के फ़ोन से लाइक करो, या दोस्त का फ़ोन छीन के उससे लाइक करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं से भी करो, लाइक करो, लाइक करते रहो लगातार। हिंदुस्तान जिंक में यार स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, इसको बिल्कुल अपने को ट्रैक में रखना है, और जिस तरह हर कमोडिटी एक के बाद एक लाइन से भाग रही है, तो अब ये भी पक्का ब्रेकआउट होगा इसमें, और बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा। बट प्रेफरेबली जो मेरी स्टाइल है कि ब्रेकआउट के पहले मैं एंटर नहीं करूँगा, और ख़ास करके रेजिस्टेंस पे तो बिल्कुल एंटर नहीं करूँगा। इसी से मेरे को एक एग्जांपल याद आया, BEPL, उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिला देना। तो हो सकता है अपन यहाँ बाय करते, यहाँ बाय करते, यहाँ बाय करते, तो ब्रेकआउट से पहले अगर बाय करना होता है तो ऐसे बाय किया जाता है जब बॉटम बन रहा होता है, कभी भी ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस पे बाय नहीं किया जाता है। तो अब क्या हो सकता है ना, अगर जिंक कोई कमोडिटी लेवल पे अगर जिंक नहीं भागा उसका प्राइस, तो हो सकता है फिर से एक बार ये नीचे आए और इस तरह कुछ भागे, है ना। तो अब ये बन तो रहा है प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल, बट अब आप ये नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट एक बार में होगा या दो बार में होगा या और 3-4 बार ये करके फिर भागेगा। तो बस आपको वही देखना है कि कभी इस लेवल को तोड़ता है, और वो लेवल है आपका, वो लेवल आपका रहेगा ये वाला, टू बी एग्जैक्ट आपका वो वाला लेवल रहेगा 320 का। अगर 320 का जब भी ये ब्रेकआउट देगा फिर आप इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको, और अगर ब्रेकआउट से पहले आपको एंट्री लेनी है तो अगली बार जब ये कुछ इस तरह से बना के ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखे ना आपको, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ब्रेकआउट से पहले ऐसी जगहों पे एंट्री ली जाती है जहाँ पे रिस्क आपका कम होता है। तो ये चीज़ मैं आपको BEPL के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कि शायद मैंने डिस्कस भी किया था जब BEPL किसी ने पूछा था, और इसको उसमें भी डाला था, इस वीक भी डाला है, अभी भी इसमें बिल्कुल एंट्री ली जा सकती है। जो भी फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहा है ना, तो 2 चार्ट के स्ट्रक्चर हैं जो मेरे को इस टाइम पे बेस्ट लग रहे हैं, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल या पैटर्न के बेसिस पे बोलूँ तो, BEPL और ICICI सिक्योरिटीज। BEPL मेरे को क्यों बढ़िया लग रहा है कि आप देख सकते हो कितना बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, और एक बार दो बार नहीं, ऑलमोस्ट 4-5 बार इसने ट्रायंगल का स्विंग बनाया है, उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया। प्लस आप ये देख सकते हो कि जब इसमें मैंने एंट्री ली थी फ्रेश, मतलब जो लेटेस्ट मैंने पहली एंट्री ली थी वो मैंने यहाँ पे ली थी, जब मेरे को ये यहाँ पे दिख रहा था कि अब ये 3-4 कैंडल बन चुकी थी और स्टेबल होता हुआ दिख रहा था, तो मैंने यहाँ एंट्री ली थी। तो अगर आपको ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेनी हो तो फिर ऐसे लेवल्स पे एंट्री ली जाती है जब वो स्विंग लो मार रहे हो। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट के पहले आप यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एंट्री ले लो, या फिर यहाँ पे ले लो। अगर यहीं पे लेनी है एंट्री तो वो तो हम ब्रेकआउट के बाद अभी भी तो ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो होता है कि ब्रेकआउट के पहले एंट्री ली जाए तो फिर कहाँ ली जाए, ऐसा नहीं कि आप बोलो मैं ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ बाय कर लूँ, वो गलत है फिर, ठीक है। और BEPL अभी भी फ्रेश बाय है, जिसको भी एंट्री लेनी हो 154 के आसपास आपका स्टॉप लॉस, या 150 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और बिल्कुल फ्रेश एंट्री ली जा सकती है BEPL के अंदर, ठीक है।
तो और बताओ आप लोगों की क्या क्वेरीज आ रही है इस टाइम पे। जीएमएम बहुत तेज भागा। हाँ यार, जीएमएम तो जीएमएम पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा कंपनी पसंद है। अब थोड़े बुरे वक्त से गुजर रही है तो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। इससे पहले भी हमारी एक कंपनी थी जो काफ़ी टाइम तक बुरे वक्त से गुजरी है, नेशनल परॉक्साइड, और फिलहाल अभी थोड़ा सा और बुरा वक्त उसका आया है। मतलब अच्छा खासा रिट्रेस करा है, ऊपर नहीं जा रही है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता यार। हम लोगों की पेशेंस, यार हमारी पेशेंस तो ऐसी है ना कि हम प्राइस देखना ही छोड़ देते हैं अगर हमें किसी कंपनी में कन्विक्शन होता है। अब जीएमएम फॉडलर में काफ़ी बड़ी मैं क्वांटिटी और काफ़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ, बट आप लोग मेरे को बता रहे हो कि आज ये 9% भागा। मेरे को नहीं पता था कि 9% भागा ये। तो उस तरह का आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो आप उसका प्राइस भी चेक मत करो। या जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है ना, वो मैं शायद कभी दो दो तीन तीन हफ्ते तक भी नहीं खोलता, क्योंकि उसमें मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो चीज़ बेचनी नहीं उसका दाम क्यों देखूँ मैं। अब अगर जीएमएम आप मेरे को बताते कि आज 6,000 रुपये का हो गया है, तो क्या मैं बेच देता? क्या नहीं बेचता, भले ही वो आज 6,000 रुपये का भी हो जाता, नहीं बेचता मैं। तो जो चीज़ बेचनी नहीं उसका प्राइस क्यों देखना है ना। तो जीएमएम बिल्कुल यार, अगर किसी में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो बिल्कुल बाय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये, ग्लास लाइंड इक्विपमेंट के अंदर है, ग्लोबल लीडर है ये, और ग्लोबल ग्लोबली मतलब इसको कह सकते हो काइंड ऑफ इसकी मोनोपोली है, मोनोपोली भी नहीं तो मतलब लीडर तो है ये। तो एक काफ़ी बढ़िया इसका बिजनेस है ग्लास लाइंड का, फार्मा के अंदर यूज़ होता है, केमिकल के अंदर यूज़ होता है, और फिर बताओ आप लोग। और जीएमएम, हाँ जीएमएम के अंदर एक मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को बतानी थी, जो मैं शायद सबको बताता रहता हूँ और पता भी होगा अब तो सबको, कि कभी आपने सुना है कि कोई सब्सिडियरी अपनी पेरेंट कंपनी को खरीद ले? तो जीएमएम फॉडलर है ना, ये बेसिकली एक जर्मन कंपनी की सब्सिडियरी हुआ करती थी। शायद उस जर्मन कंपनी का नाम फॉडलर ग्रुप था, और जीएमएम अपने जो इंडिया के यहाँ के प्रमोटर हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है। तो फॉडलर ग्रुप की सब्सिडियरी हुआ करती थी, और अब उसने जाके सीधा अपने फॉडलर ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी होल्डिंग खरीद ली है, कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया है। तो ये आप स्टोरी देखो कि कितना बढ़िया इसने बिजनेस किया है, कितने बढ़िया इसने रेवेन्यू और कैश जनरेट किया है, कि सब्सिडियरी ने जाके अपने पेरेंट कंपनी में हिस्सा खरीद लिया है। और बताओ आप लोगों की क्वेरीज। नैलको, नैलको करेक्ट नहीं होगा क्या यार? यही प्रॉब्लम है पता है। इसीलिए मेरे मेरे को पता है मेटल सेक्टर प्ले करने में, अगर मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊं एकदम फ्रैंकली, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर प्ले करने में मेरे को मुश्किल आती है तो वो आती है मेटल सेक्टर। क्यों आती है? क्योंकि मेटल सेक्टर रिट्रेस बहुत कम करते हैं जब वो भागते हैं। बेसिकली हाई बीटा स्टॉक होते हैं, गिरेंगे तो फिर पुल बैक भी कम देंगे और भागते वक्त भी रिट्रेस बहुत कम करते हैं। तो मेरे को जो सेटअप पसंद आता है, जैसे देखो नेशनल एलुमिनियम को हमने इसी लेवल पर ट्रैक कर लिया था जब ये 65 से 66 के जोन पे था, पर मेरे को क्या था कि मेरे को इसको बाय करना है 62 के आसपास, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे बाय नहीं किया। और अब देखो ये 81 तक चला गया, तो वो एक इशू हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ वो वाले सेटअप जिनमें प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद रनअप स्टार्ट हो। बट नेशनल एलुमिनियम जिसने बाय किया, प्लस मैंने तो ये भी रिकमेंड किया था कि किसी को बाय करना है तो कर सकते हो रिकमेंड, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को सेटअप में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पुल बैक होता है। बट ठीक है, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करो। और बाकी कोई नहीं, स्टॉक तो सारे खरीद भी नहीं सकते मार्केट में हम। बीएल व्यू ऑन चार्ट, बीएल तो बहुत बढ़िया व्यू है यार। जाट एक्सप्रेस भाई, आप डिस्कॉर्ड पर नहीं बैठे हो शायद आजकल, बीएल डिस्कॉर्ड पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। देखो एकदम परफेक्ट इसने पुल बैक देखे, मैंने यही बोला था कि 2-3 दिन से, संजू भाई को भी याद होगा, मैंने बोला था कि एक दिन ये पुल बैक देगा अच्छा खासा और सब डर जाएंगे। वो 3% गिरा, उसके बाद आज देख लो वापस 5% ऊपर, आराम से 150 तक जाता हुआ दिख रहा है, और 150 का ब्रेकआउट देगा तो फिर बढ़िया इसमें रैली देखने को मिल सकती है। 160 से लेकर के 180 तक भी जा सकता है। तो बीएल भी बहुत बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे। इंटेलेक्ट डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म, चलो लास्ट की 3-4 क्वेरी और ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और यार आप लोग ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग शेयर एकेडमी पे सेशन देखते हो? मतलब अभी शायद 8:30 या 9 बजे स्टार्ट होता होगा सेशन उनका, सर का, अयान सर का, तो 8:30 से 9:30 के मतलब जो भी वो सेशन होता है, तो कितने लोग अभी शेयर एकेडमी के सेशन पे जाने वाले हो इसके बाद, जल्दी से बताओ। इंटेलेक्ट डिज़ाइन बाय किया जा सकता था यहाँ पे जब इसने अच्छा खासा रिट्रेस किया था, शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, कि अगर इस जोन में मिलता है 760 से लेकर के इसके बीच में आपको मिलता है 780 के बीच में तो बाय कर लेना है। तो अगर आप ऑलरेडी ऑर्डर लगा के बैठे होंगे तो आपको मिल गया होगा यहाँ पे, बट नहीं लगा के बैठे थे तो आप फिर वेट करो कि थोड़ा सा रिट्रेस करे, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ना तभी मज़ा आएगा। तो
बाकी अगर आपको थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हो आप, तो 765 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। ओके, तो काफ़ी लोग लिख रहे हैं मी मी मी। तो यार एक काम करना, सब लोग जाके आज शेयर अकेडमी के सेशन पे जब आप जाओ तो थैंक्स फ्रॉम इन्वेस्टोग्राफर लिखना यार। काफ़ी उन लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया है और काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि यूट्यूब में वो काफ़ी हमसे सीनियर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। प्लस इनिशियल डेज में काफ़ी कुछ हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया और उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो एक बार सब जाके जो भी वहाँ पे जाते हो सेशन में, थैंक्स फ्रॉम इन्वेस्टोग्राफर ज़रूर लिखना, ठीक है? थोड़ा सा हमें भी मौका मिले कि हम भी अपने लेवल पे जितना भी उनको ग्रैटिट्यूड दे सकें, जितना भी अपना दिखा सकें ग्रैटिट्यूड, तो थैंक्स फ्रॉम इन्वेस्टोग्राफर ज़रूर लिख देना वहाँ जाके। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना अभी के अभी, KIOCL। बाकी एक दो क्वेरी और बची है, उसके बाद फिर अपन सेशन एंड करेंगे आज का, काफ़ी टाइम हो गया। KIOCL यार ये कम लिक्विडिटी वाला स्टॉक लग रहा है, सर्किट फ्रीक्वेंटली लगते हैं इसमें, तो कर सकते हो बाय। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कल अगर ये रिट्रेस नहीं करता है तो बाय कर लेना, और अगर करता है तो 175 के आसपास बाय करना, और वो सब तो ठीक है, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लेना। 163 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, चाहे आप इसी लेवल पे बाय करो या थोड़ा सा नीचे आता है तो बाय करो, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा 163 का, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो, वॉल्यूम अच्छी आई है, बट थोड़ा सर्किट वाला इशू है इसमें, तो देख लेना अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो। लास्ट क्वेरी ले लेते हैं VSSL, सुरेश भाई की ले लेते हैं। बाकी अगर किसी की क्वेरी मिस हो गई हो तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना, रात को हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा बहुत उधर भी देख लेंगे। नहीं तो एक चीज़ और है कि अगर किसी की क्वेरी मिस हो जाती है तो जब ये सेशन ऑफलाइन हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में क्वेरी डालते हैं और मोस्टली शायद एक भी क्वेरी ऐसी नहीं होगी जिसका जवाब नहीं दिया हमने। मैं और सृजन आपका जवाब देते रहेंगे, जब भी हम फ्री होते हैं हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी की भी क्वेरी मिस हो जाती है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि यहाँ से भी ज़्यादा चांसेस आपके वहाँ पे हैं रिप्लाई मिलने की, क्योंकि यहाँ पे कई बार ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो रिप्लाई थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो जब वीडियो ऑफलाइन हो जाती है, और नहीं तो किसी पुराने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। वर्धमान स्पेशल स्टील बिल्कुल CMP पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 184 का, 184 के स्टॉप लॉस के साथ CMP पे बाय कर सकते हो। चलो फिर आज का सेशन यहीं तक। अब यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ से शेयर अकेडमी पे जाने वाले हैं, प्लीज़ यार एक बार जाके, एक बार दो बार तीन बार थोड़ा सा मतलब उनको नज़र आ जाए, एक बार लिख देना थैंक्स फ्रॉम इन्वेस्टोग्राफर। बाकी यहाँ से साइन ऑफ करते हैं हम लोग, इसी तरह पसंद करते रहो, लाइक करते रहो और सपोर्ट करते रहो। और वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स हम लोग लिखते हैं सेशन एंड करने से पहले, तो मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख दो वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स। और चलो आज का सफ़र यहीं तक, कल सृजन मिलेगा आपको दोपहर में और रात में मैं आऊँगा फिर से, और डिस्कॉर्ड पे बैठेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू।